नमस्कार दर्शकों, INN24 न्यूज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। राजनीति की अगर बात करें 2019 के ऊपर सबकी निगाह है, लेकिन 2018 की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीन स्टेट में इलेक्शन होना है। और अभी जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट सिवनी से आज मेरे साथ विशेष खास मुलाकात चर्चा करने के लिए दिनेश राय मुनमुन जी मौजूद है। मुनमुन जी, INN24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति करियर की अगर बात करूँ, आपका राजनीति करियर एक लखनऊ से चालू हुआ और लखनऊ से चालू होने के बाद आज सिवनी पे आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, कप्रिस आपका सिंबल पहले इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, उसके बाद मटका आपको मिला, ये सारी राजनीति करियर कैसा शुरुआत किया आपने? देखिए, मैं सबसे पहले लखनऊ नगर परिषद का एक पार्षद के रूप में चुना गया। पार्षद में मैंने काम किया तो मुझे लखनऊ नगर परिषद का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष बनने के बाद फिर सिवनी का चुनाव आया तो यहाँ पर भी मेरे लिए बात आई कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं पहला विधानसभा चुनाव लड़ा तो 30,000 वोट लेकर मैं दूसरे पायदान में था और कांग्रेस तीसरे पायदान में जमाना जब्त हुई थी। फिर उसके बाद हारने के बाद मैं सिवनी विधानसभा के बाद भी निरंतर लोग मेरे संपर्क में रहे, मैं उनके सुख दुख में दौड़ता रहा, काम करता रहा। फिर 2013 का चुनाव आया, तब भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और मटका वास्तव में मेरा निशान था और लोगों ने भरपूर उस मटके को भरा और मैं लगभग 21,000 वोटों से सिवनी विधानसभा का चुनाव जीता। जैसे कहा जाता है, मटका भरने पे काफ़ी भूमिका मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम वोटर्स की थी। बिल्कुल। और हाल ही की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं सिवनी के अंदर एक रुझान बना हुआ, एक नाइतफाकी की एक नाराज़गी, तो इन सब लोगों को कैसे आप अपने तक खींचेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, मोहम्मदन वोटों ने पिछले बार भी मुझको मतदान किया और इस बार भी मुझको मतदान करेंगे, क्योंकि वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। उनका ये नहीं मानना है कि मुनमुन राय बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, निर्दलीय जाएंगे। आज भी आप सिवनी विधानसभा के हमारे मुसलमान भाई बहनों से आप संपर्क साधिए तो उनको कहना है कि सिवनी का विधायक दिनेश राय बीजेपी में गया है, लेकिन हमारा भैया मुनमुन नहीं गया। दिल वही है, दिमाग वही है, काम करने का लहजा वही है और लोगों के साथ सुख दुख में साथ रहने का तरीका वही है। तो किसी पार्टी में जाने से मैं नहीं मानता कि मेरी जनता मुझसे नाराज होगी, बल्कि उनकी बातों को लेके, उनकी समस्याओं को लेके मैं 4.5 साल तक निर्दलीय रूप में चुनाव उनके साथ साथ काम किया। सही है, आप 4.5 साल तक अपने पद पर कायम थे और अभी भी कायम है। हाँ, लेकिन अचानक माहौल ऐसा हुआ भी, अगर पीछे के लिए अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा का अगर इलेक्शन की बात है तो आपने कांग्रेस को वोट दिया था, कहीं ना कहीं लेकिन वोट दिया था, कहीं ना कहीं उस दौर पे एक हवा चली कि भाई दिनेश राय मुनमुन कांग्रेस का परचम, कांग्रेस का झंडा हाथ पे लेंगे। अचानक बीजेपी का झंडा लेना, और आपने एक मेरे इंटरव्यू में ही कहा था ये बात कि जनता जनाधन है, जनता मुझे जो बोलेगी, बीजेपी बोलेगी, कांग्रेस बोलेगी, क्या वाकई पे जनता से पूछ के आपने कर दिया? बिल्कुल, मैं जनता के बीच में गया, एक मार पूरे विधानसभा के एक गांव गया, लोगों को कहना हुआ कि भैया आप किसी न किसी पार्टी को आप पकड़ें और किस पार्टी को पकड़ें, तो उन्होंने सबने ये बोला वर्तमान में जो स्थिति हमारे प्रदेश की है वो भारतीय जनता पार्टी की है, अभी सत्ता में सरकार है और आप अभी अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारे जिले की सबसे महंग मांग, जो महत्वपूर्ण मांग है, मेडिकल कॉलेज, और दूसरी है इंजीनियरिंग कॉलेज, तीसरा हमारा लाल माटी क्षेत्र का क्षेत्र, चाहे वो हमारा लाल माटी का गोपालगंज क्षेत्र हो, चाहे हमारा विजयपाली उड़ेपाली का क्षेत्र हो, चाहे हमारे बखारी से लेके चमारी क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में भी नहरों की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों को भी सिंचाई करना है। इन तीन मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में बात आई और मैंने अपने 500 से 600 करीब मेरे साथी लोग विधानसभा के बैठे, उन्होंने भी एक मत निर्णय दिया तत्काल में, अगर आप पार्टी ज्वाइन करते हैं वर्तमान में पार्टी को आपकी आवश्यकता लगती है, क्यों ना आप इन मुद्दों को लेकर पार्टी में आप जाते हैं और ये मांग पूरी होती है। और इन बातों को लेकर मैंने सीएम साहब से बात रखी और सीएम साहब भी तीसरे दिन मेरी विधानसभा में आए और यहाँ पर इन तीनों मुद्दों को उन्होंने अपने स्वयं अपने
मुंह से यहाँ घोषणा की है, उससे हमारे क्षेत्र की जनता को एक उम्मीद बनी है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इन बातों को मान रहे हैं, इन मांगों को पूरा करने का वादा जनता से कर रहे हैं, तो मेरा जाना बेहतर होगा। मैं एक परिवार में गया हूँ, एक बड़े दल है जिससे मुझे उम्मीद है कि इन 6 माह में, 4.5 साल मैंने ईमानदारी से काम किया, 6 माह में मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरा तो बचा हुआ कार्यकाल तो खत्म होने जा रहा था, मेरा काम किससे कराना था? सरकार मध्य प्रदेश में सरकार थी उसी से कराना था। इन 6 माह में मेरे बचे हुए समय में भी अगर मैं जनता के लिए बेहतर कुछ कर सकता था, ये आखिरी मेरा एक उपाय था और जनता यही चाह रही थी, तो वो मैंने किया। क्योंकि पिछले 4 साल की बात करो, बहुत से काम, बहुत से प्रोजेक्ट और विधानसभा में भी हमेशा आपने सिवनी जिले को लेकर बात उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं रोड़ा जो कहा जाता है, एक कागजी फाइल चले तो जाती है लेकिन उसको दबा दिया जाता था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। क्या लगता है वर्तमान में, जैसे 2 दिन बाद की अगर मैं बात करूं 7 तारीख को शिवराज सिंह चौहान सिवनी पे हैं, क्या लगता है सारे प्रोजेक्ट जितने आपकी फाइलें रुकी थी, जितने काम रुके थे, क्या 7 तारीख को नहीं रुके? नहीं, मैंने और मैं भी बहुत मांगे रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से मेरी विधानसभा के लिए काम भी किया, लेकिन ये ऐसे 3 मांगे थी जो बड़ी कठिन दिख रही थी और पार्टी को भी लग रहा था कि अगर मुनमुन हमारे साथ आएंगे तो हमारा जिले में जनाधार में थोड़ा हम सहयोग कर सकते हैं। तो जनता की बात रखें तो सीएम साहब ने उसको बिना संकोच किए उन मांगों को पूर किया, अगर वो पूरी होती हैं जो असंभव सी महसूस हो रही है और जनता भी अभी भी उसको असंभव मान रही है, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं जिस मुख्यमंत्री ने इन 14.5 साल में हमारे प्रदेश का कायाकल्प बदला है, तो निश्चित है उम्मीद से हम लोग पूरा विश्वास कर रहे हैं कि ये मांग हमारी पूरी होगी तो हमारा जिला भी एक विकासशील जिले में आएगा। और 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो काफ़ी उम्मीदें हमारे जिले वासियों को पूर्ण होंगी, इनमें होंगी, आने वाले अभी बचे हुए कार्यकाल में होंगी और आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का होगा और शिवराज जी ही पुनः बैठेंगे तो बचे हुए शेष काम भी हम पूर्ण कराने में विश्वास रखते हैं। आने वाले समय में शिवराज जी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी, सारे वादे हैं सारे जनता मध्य प्रदेश की कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं सिवनी जिला, सिवनी विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, खुदा ना खास्ता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सिवनी के अधिकारी, सिवनी के नेता जो जिस शुरू से रोड़ा डालते हैं अटकलें लगाते हुए, अगर सिवनी जिला संगठन भाजपा संगठन आपको समर्थन नहीं देता है या आपका विरोध प्रदर्शन करता है, देखिए उसको लेके क्या क्या मूवमेंट रहेगा? नहीं, ऐसी कोई स्थिति है नहीं है कि विरोध करेंगे, सब एक हैं, हम सब एक मिलकर चल रहे हैं, पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं। एक बात लेकिन जरा बोलना चाहूँगा मैं हट के लीक से जी, कि मैं निर्दलीय चुनाव जीत सकता हूँ, सुनिएगा, उस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी कैंडिडेट लेता, तब भी जनता ने मुझमें विश्वास किया था, तब भी मैं चुनाव जीता हूँ। नहीं वही, और आज तो मैं बहुत बड़े परिवार के साथ हूँ। नहीं वही जनता का कहना है कि एक निर्दलीय 21,000 वोट से जब हम उनको जिता सकते हैं तो क्या जरूरत थी बीजेपी में जाने की? जनता का आरोप आप कुछ हो सकता, कुछ विरोधी लोग लगा सकते हैं, लेकिन जनता का ये कहना था कि अब आप किसी न किसी पार्टी का दावा था हमें, और लेकिन चुनाव के पूर्व भी मैंने कहा था जिसकी सरकार उसके हम मुख्यमंत्री के साथ शुरू से रहे, लेकिन हमारा कुछ विरोधाभास हुआ, हमने अपनी मांगों को लेकर रखा, हमको विवेक तनखा जी बेहतर आदमी लगे, हमने ये नहीं देखा कि वो कांग्रेस के इसलिए हमने वोट किया, वो हमारे प्रदेश के साथ साथ हमारे संभाग के व्यक्ति थे और अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, इसलिए खुलकर उनको हमने साथ दिया, बेहतर समझा। और आज हमको लगता है कि अगर हम इन 6 माह में अपने जिले के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, और मुझे पार्टी ज्वाइन भी करना पड़ा तो वो भी मैंने किया, मैं इस लांछन से बचना चाहता था और मैं इस विरोधाभास से बचना चाहता कि निर्दलीय रह के हमारे जिले का विकास नहीं हुआ, मुनमुन राय को हमने जिता के गलत तो नहीं कर दिया, इस वजह से आपने सत्ताधारी पार्टी का भी दामन थाम लिया जी। कि देखिए मैं पार्टी का कैंडिडेट बनने के बाद, पार्टी के साथ सम्मिलित होकर कार्यकर्ता बनने के बाद भी मैं आपके वादों को पूरा करने का प्रयास किया, अगर इन वादों में कोई चीज कमी रह जाएगी तो इसमें जे तो नहीं रहेगा जनता को पछतावा कि एक निर्दलीय विधायक जिताने के बाद हम 5 साल हमारे विकास से दूर रहे, 4.5 साल जो विकास कर सकते थे वो किया, इन 6 सालों में हम इन 6 माह में भी हम पार्टी के भी एक कार्यकर्ता बन गए, उसके बाद ही हमें डेवलपमेंट ला पाए तो वो बेहतर होगा। एक अफवाह भी सामने थी सोशल मीडिया पे, दिनेश राय मुनमुन भारतीय जनता पार्टी का दामन तो थामे है लेकिन दिनेश राय मुनमुन को क्यूलारी विधानसभा से लड़ाया जाएगा, क्या है ये? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आया हूँ, चुनाव लड़ने के हिसाब से नहीं आया, ना मुझे चिंता है कि सिवनी की मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं तो सिर्फ जनता के लिए काम करने आया था, 20 साल मैंने निर्दलीय राजनीति की है, तो मुझे आने वाले अगले 5 साल के लिए किसी पार्टी की टिकट के लिए मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ
जे मेरे सोशल मीडिया में तुम भाइयों का हो सकता है सोच मेरा, इसीलिए मैं वो बात क्लियर करवा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी सुनी विधानसभा के लिए हूँ, सुनी विधानसभा में मुझे काम करना है और मैं चुनाव लड़ने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं कि मुझे टिकट मिलेगी तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चाहता हूँ मेरी जनता से, यानी टिकट नहीं भी मिलेगी तो आप निर्दलीय लड़ सकते हैं, अगर नहीं मिले तो। नहीं, निर्दलीय लड़ने की बात कर ही नहीं रहा मैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरे को अगला चुनाव लड़ना नहीं लड़ना चाहिए, मेरे हाथ में है नहीं। मेरा तो सिर्फ यह है कि मुझे जनता के किए हुए वादे पूर्ण होना चाहिए। मेरा मकसद यह है जनता के काम हो, और नहीं काम को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी भी गरीब जनता के साथ ही हैं और जनता के किए हुए काम वादों को पूरा पूर्ण करने पर वो विश्वास रखते हैं और मैं भी वही विश्वास रखता हूँ। ठीक, मुझे यह चिंता बिल्कुल नहीं है कि मुझको क्यौलारी पहुँचा रहे हैं, सिवनी से लड़ा रहे हैं, नहीं लड़ा रहे हैं। ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे अगला चुनाव लड़ना चाहिए और कहाँ से लड़ना चाहिए। ये फैसला तो पार्टी करे, ये जनता करे। ठीक है, आपके मैनिफेस्टो में जितने वादे थे उनमें से कितने वादे अभी पूरे हुए? लगभग आप देखते होंगे कि 80-85% मेरे विधानसभा के वादे पूर्ण हो चुके हैं। कुछ वादे छोटे रह गए थे वो पूर्ण होने जा रहे हैं और ये नए वादे जो हमारे सामने आए हैं जी, तो ये भी मैं पूर्ण करने का विश्वास करता हूँ। चाहे पैंच का पानी हो, देख रहा है आप, हमारे पैंच का पानी जो 200 साल से अटका था वो आज हमारे जिले में आया, तो पंजाब जैसी स्थिति बन गई। हमारे 171 गांव, 232 करोड़ की नल जल योजना गांव में पहुंचाने का बड़े तीव्र गति से काम चल रहा। मेरी विधानसभा की जो फोर लाइन का काम रुका हुआ था, जो एक विधायक क्लियर हो चुका है, वो क्लियर हो चुका। नहीं भाई साहब, मेरे 9 किलोमीटर की मेरी विधानसभा की रोड पूर्ण बन चुकी है। अभी जो हमारे माननीय गडकरी जी ने, आपने देखा नीमच से, उसका लोकार्पण किया है। वो 850 करोड़ का काम जो मेरी विधानसभा से लग के बरगाड़ विधानसभा कुरई खवासा का आता है, जिसको असंभव कह दिया गया था, उसका भी भूमि पूजन भी हो चुका है, एजेंसी फिट हो चुकी है, उसकी गाड़ियां आ चुकी, काम हो चुका है और लगभग वो काम भी हम 1-2 साल में पूर्ण होते देखेंगे। और इसी दौरान बड़ी लाइन की अगर बात की जाए, बड़ी ट्रेन लाइन की बात की जाए, तो उसका क्या? बड़ी रेलवे लाइन का जो मुद्दा था जिसको हम लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से रखा, सबने रखा, धरने प्रदर्शन हुए और आज आप देख रहे हैं उस काम चल रहा है। ये बात मानता हूँ इस काम को होने में 2020-21 हो सकता है, गति स्लो है, लेकिन और भी जगह उनने काम को पूर्ण कर रहे हैं और हम निश्चित उम्मीद मानते हैं कि ये काम भी 2021 तक बड़ी रेलवे लाइन भी हमारे पूर्ण हो जाएगी। मेरे जिले में तो ऐसा नहीं है कि वो रेलवे लाइन नहीं आई, बड़ी रेलवे लाइन आ चुकी है। अब हमारा जो सिवनी क्षेत्र रह गया है, छिंदवाड़ा जीना है, वो बाकी है। कांग्रेस ने कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश के अंदर एक अध्यक्ष बना के सामने रखा है और जी तोड़ के साथ वो मेहनत भी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है लास्ट मोमेंट में आके कांग्रेस कोई बड़ा ऑफर दे या फिर कमलनाथ जी आपके सामने आके बड़े बड़े दिग्गज वादे करे, तो उन सब चीजों का तोड़ क्या रखा? नहीं, कोई अब ऐसे मामला बस बचा नहीं है कि कोई बड़े वादे करे या बड़ा कोई ऑफर रखे। ना इनने इस भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा ऑफर था मेरे लिए, ना आज कांग्रेस में कोई ऑफर है। और माननीय कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में काम भी किया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जिले के लिए कोई ऐसा बड़ा उनके काम नहीं हुए हैं जिसके लिए मैं कह सकूं कि कमलनाथ जी से मैं उम्मीद रखूं कि वो मेरे यहाँ कोई वादा कर दें। लेकिन यह है कि वो वरिष्ठ हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ, छिंदवाड़ा के लिए वो सरमोर हैं, उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार उनकी आएगी तो कोई विकास सिवनी का होगा। निश्चित है भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में होगी। नहीं तो पता ये चला कि ठीक है कांग्रेस सरकार आ गई, जब दिनेश राय मुर्मू निर्दलीय थे तो बीजेपी काम नहीं दे रही थी, काम नहीं कर रही थी, और दिनेश राय जब बीजेपी पे गए तो कांग्रेस आने के बाद काम नहीं हो रहा। नहीं, निश्चित है मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और सिवनी का विकास निश्चित होगा। ये थे दिनेश जी मुर्मू राय, जो पूरे मध्य प्रदेश में दबंग नेता माने जाते हैं, मीडिया की सुर्खियां टाइम बे टाइम में बटोरते रहते हैं, और हाल ही पे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, जिसको लेकर पूरा इंटरव्यू विस्तार के साथ आप देख रहे थे। आगे भी आप देखते रहिए मध्य प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र से INN24 न्यूज़ के अपडेट।